dear student in this video lecture i will explain you fundamental formula of differentiation differentiation is the new concept okay the first formula of the differentiation is if c is a some constant यहां पर c है वो कोई कांस्टेंट है और इसका हमें डिफरेंसिएशन करना है डिफ्रेंसिएशन का सिंबल होता है d अपॉन डी एक्स डिफरेंसिएशन d अपॉन डी एक्स सी इक्वल जीरो किसी कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन जीरो होता है ओके नेक्स्ट फॉर्मूला इज सेकेंड इफ गिवन वाई इक्वल सी एक्स वे सी कॉन्सटेंट है सी क्या है कॉन्स्टेंट है देन अब डिफ्रेंशिएट करना है हमें तो डी अपॉन डी एक्स बाई एंडी अपॉन डी एक्स सी एक्स ओके सी क्या है हमारे पास कॉन्स्टेंट इसे हम बाहर ले लेंगे डी एक्स अपॉन डी एक्स ये कैंसल आउट हो गया और फाइनली क्या बचा सी केस ऑफ टू फंक्शन ये दो फंक्शन है और इसमें अगर एक कांस्टेंट हो एक कांस्टेंट हो और ये डिफ्रेंसियन जो कर रहे हैं हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x ओके okay? तो जो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा और डिफ्रेंसीट एक्स का हो जाता है डी एक्स अपॉन एक्स ये इससे कैंसिल हो गए और फाइनली सी व्हाट इन केस ऑफ ओनली कांस्टेंट कॉन्स्टेंट अगर सिंगल हो और उस केस में हमें डिफ्रेंसीट करना है तो उसका डिफ्रेंसीसन जीरो होगा नेक्स्ट फार्मूला थर्ड ये कोई बाई इक्वल एक्शन दिया है जहां एन वेर एन इज रियल नंबर एन क्या है रियल नंबर अब इसे डिफ्रेंशियट करना है डिफ्रेंसियम्बल लगाओ डी अपॉन डी एक्स डी अपॉन डी एक्स यानी डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा ये इक्वल एक्स द पावर एन डी अपॉन डी एक्स एक्स द पावर एन अब डिफ्रेंशिएट कैसे होगा इसका पावर बाहर आ जाएगी आपकी एन डॉट एक्स एन माइनस वन और x का अगेन होगा डी एक्स अपॉन एक्स ओके ये कैंसिल आउट हो गया तो डिफरेंशिएसन क्या आएगा आपका d अपॉन डी एक्स एक्स द पावर एन का डिफरेंशिएशन होगा x n माइनस वन और n एन एक्स एन माइनस वन दिस फार्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड मोस्टली यूजेज इन आवर डेरिवेशन ओके इसे आप लर्न कर लें इसके बेस पर हम कुछ क्वेश्चन आपको सॉल्व कराएंगे नेक्स्ट फार्मूला इज फोर्थ फार्मूला फोर्थ इफ गिवेन बाई इक्वल यू द पावर एन एन क्या है हमारे पास एन इज़ ए रियल नंबर और यू यू फंक्शन ऑफ एक्स यू कोई एक्स का फंक्शन है अब इसे हमें डिफ्रेंशिएट करना है तो डी अपॉन डी एक्स बाई एंड विद रिस्पेक्ट टू एक्स के ही करेंगे एंड डी अपॉन डी एक्स यू द पावर एन डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे इसे एन कहाँ जाएगा बार एन यू एन द पावर माइनस वन ओके एंड इस यू का डिफ्रेंसिएट करेंगे क्योंकि यू का ये एक्स का फंक्शन है सो डी यू अपॉन डी एक्स ओके इस तरह से हम इसका डिफ्रेंशिएट करते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट फार्मूला वाई इक्वल यू प्लस बी फ यू एंड बी बोथ आर द फंक्सन ऑफ एक्स एक्स के फंक्शन है तो डिफरेंसीन करना है हमें विद रेस्पेक्ट टू एक्स डी अपॉन डी एक्स बाई इक्वल डी यू अपॉन डी एक्स प्लस डी वी अपॉन डी एक्स इस तरह से आप इसका डिफ्रेंसी करेंगे अगर यू कॉन्सटेंट होता तो ये जीरो हो जाएगा बी कॉन्सटेंट होता तो ये भी जीरो हो जाता ओके बट वो क्वेश्चन में कह रखा है यू एंड बी आर फंक्शन ऑफ एक्स ओके नेक्स्ट